कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पिछले एक हफ्ते से मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या को भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐश्वर्या और आराध्या भी पहले से कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन दोनों जुहू स्थित बंगले जलसा में होम क्वारंटीन में थी। एक रिपोर्ट देखिए। देश और दुनिया में कोरोना तेजी से फैल रहा है। आम इंसान से लेकर बॉलीवुड हस्तियों तक बहुत से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। सदी के महानायक भी इससे बच नहीं पाए। जी हाँ, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की घोषणा ट्विटर हैंडल के जरिए दी थी। इसके साथ ही उनके बेटे अभिषेक बच्चन की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद बिग बी के स्टाफ और घर में मौजूद हर किसी की जांच की गई। जया बच्चन की रिपोर्ट तो निगेटिव आई, लेकिन बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद दोनों को घर पर ही आइसोलेट किया गया था। लेकिन अब खबर है दोनों को ही नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ऐश्वर्या राय को बुखार, सांस लेने में हो रही तकलीफ, कफ और खांसी के साथ गले में हो रहे दर्द के बाद नानावटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आराध्या की हालत सामान्य है, लेकिन उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दोनों की तबीयत ठीक है और इलाज शुरू कर दिया गया है। फिलहाल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तबीयत सामान्य बताई जा रही है। बिग बी तो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को लगातार संदेश भी दे रहे हैं। हाल ही में अमिताभ ने ट्वीट करके अपने फैंस के लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, खुशी में बीमारी में आप हमारी बहुत करीब और प्यारे रहे हैं। हमारे शुभ चिंतक, हमारे फैंस आपसे हमेशा हमें अपना उदार प्रेम दिया। हमारे फैंस आपने हमेशा हमें अपना उदार प्रेम दिया, स्नेह भरी देखभाल और प्रार्थनाएं। हम आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञ और आभार व्यक्त करते हैं। इन हालातों में अस्पताल की प्रोटोकॉल प्रतिबंध। आपको बता दें कि जब से अमिताभ बच्चन ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है, तब से उनकी सेहत की बेहतरी के लिए उनके फैंस लगातार दुआएं कर रहे हैं। तमाम जगहों पर तो उनकी अच्छी सेहत के लिए लोगों के व्रत, उपवास और हवन करने की खबरें भी सामने आई हैं। जया बच्चन को छोड़कर परिवार के तकरीबन सभी सदस्य इस वक्त नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं और सभी का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। एंटरटेनमेंट लाइव की रिपोर्ट।